फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्वेतलाना आपके साथ और आप देख रहे हैं स्वेतलाना क्रिएशन। सो गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आज तो सभी को पता है कितना शुभ अवसर है हमारे लिए, हमारे ओडिशा के लिए, हम ओडिया वासी के लिए। सो मैं आप सभी को विश करूंगी ओडिया में, जो कि ओडिया नववर्षर आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। भगवान जगन्नाथ आपण को बहुत भलरे रखत, आपणकर सब मनस्कामना पूरण करतु। सो आज के खास दिन में हम सुबह सुबह उठ चुके हैं, अभी चाय बनाकर मम्मी को दे रही हूँ, फिर हम नहाएंगे और पूजा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज के दिन सत्तू पना ये वगैरह सब बनाते हैं, जो प्रसाद दिया जाता है भगवान जी को। सो मम्मी उसी का प्रिपेयर कर रही हैं। और सत्तू जो हम बना रहे हैं वो घर में ही बनाया हुआ है, मम्मी कल ही बना ली थी, जो गेहूं से बनता है, और वही सब पूजा करेंगी। वो कैसे पूजा करती हैं, कैसे बनता है हमारे ओडिशा में ये सब, और वही सब मैं दिखाऊंगी आपको। मम्मी ने बस चाय पिया था और जो घर का जो झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिए, और नहाने के बाद हम दोनों नहाने के बाद ही पूजा करने के लिए बैठ जाएंगे। और मम्मी ने तो बस चाय पिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैं जब भी कोई ख़ास दिन होता है ना, तो पूजा करने के बाद ही मैं कुछ भी खाती हूँ, तो इसीलिए। और ये जो सत्तू बनाया जाएगा ना, तो उसमें बहुत सारा फ्रूट डालते हैं, लेकिन मेरे पास जो सब है वही डालूंगी और इसी से ही बनेगा। आप देखिए, आप चाहे तो उसमें एक्स्ट्रा फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। अभी मम्मी जो स्किन निकाल रही है ना नारियल का, वो हम धूप लगाने में यूज करेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं। सो अभी मम्मी पूजा कर रही है, बस देखिए आप कैसे पूजा हो रहा है हमारे घर में। पूजा हो गया, ब्रेकफास्ट में मैंने सत्तू खा लिया, मम्मी ने भी वही खाया थोड़ा सा, और अभी मैं लंच का प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं आज खिचड़ी बनाऊँगी, इसलिए मैं चावल ले रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं क्या क्या सब सब्ज़ी बनाती हूँ वो भी आपको दिखाऊँगी। बस मैंने आज एक चीज़ बनाया था जिसका रेसिपी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं जब एडिट की कर रही थी ना, तो वीडियो बहुत लंबा खींच रहा था, तो मैंने सोचा कि उसका अलग से ही मैं वीडियो डाल दूँगी उसका रेसिपी, जो कि आम का खट्टा मतलब चटनी है वो बनाई थी, और इस उसका मैं रेसिपी बाद में दिखा दूंगी दूसरे वीडियो में। तो अभी मैंने चावल तो भिगो दिया, अभी मैं एक कप ले रही हूँ मूंग दाल, और उसको भी मैं भिगो दूंगी, और उसके बाद अच्छे से धोकर मैं यूज करूँगी।
तो अभी उसको मैं अच्छे से धो ली और एक प्रेशर कुकर डाली, उसमें एक चम्मच घी डाली और उसके साथ साथ कुकिंग ऑयल जो कि सनफ्लावर ऑयल है। और मैंने आपको बोला था कि हमारे घर में जो घी का स्मेल होता है ना, कोई कोई लोग नहीं खाते, इसलिए मैं थोड़ा सा ही घी डाली। आप चाहे तो पूरा प्रोसेस घी में ही बना सकते हैं। और अभी मैं क्या है ना, ग्रेटेड कोकोनट डाली, उसको मैं अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करने के बाद उसमें डालूंगी काजू। और मैं चाहे तो तेल में पहले से ही काजू डालकर उसको फ्राई कर लेती, लेकिन वो मतलब ज़्यादा फ्राई हो जाता है, इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। और उसको मैं हाफ मिनट तक लो आंच में उसको चलाऊंगी, और अगर मैं मीडियम या फिर हाई फ्लेम करूँगी तो वो जल जाएगा। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो चावल और मूंग दाल को अच्छे से धो कर रखी थी वो भी डाल दे रही हूँ, और उसको भी अच्छे से चलाऊँगी एक मिनट तक। उसको मैं मतलब फ्राई करूँगी तेल में। तो मुझे बीच में याद आ गया कि मैंने तेज़पत्ता ही नहीं डाला था। आप अगर तेज़पत्ता डालेंगे तो वो तेल में ही डाल दीजिएगा पहले से ही, और मैंने तो बाद में ही डाला। और उसके साथ साथ मैं स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी कलर होने के लिए डाल दे रही हूँ। और उसको अच्छे से मिलाने के बाद मेजर करके पानी डाल दूँगी। मैंने जितना जो चावल और मूंग दाल लिया था उसका दोगुना पानी डालूँगी। मुझे हरी मिर्च का जो स्मेल होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए मैं डाल दे रही हूँ। मैं चाहती तो तेल में भी डाल सकती थी, लेकिन वो क्या होता है ना, जो बिखर जाता चावल में, इसलिए मैं मुझे सिर्फ उसका स्मेल चाहिए, जो तीखापन होता है ना वो नहीं चाहिए, इसलिए मैं ऊपर में ही डाल रही हूँ। तो अभी मेरा सारा कुछ हो गया है, अभी पानी डालकर मैं उसको कवर कर दूँगी और एक सीटी लगाऊँगी हाई फ्लेम में। बस एक सीटी ही लगना है, ज़्यादा नहीं लगना है, वरना चावल सब क्या होगा ना, चिपक जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। और उससे पहले मैं क्या करूँगी ना, जो एक मतलब हाफ नींबू को निचोड़ के डाल दूँगी, ताकि जो मेरा चावल है वो सॉफ्ट बने। तो मेरा यहाँ खिचड़ी बन रहा था, मैंने सोचा कि उसी टाइम में दूध भी उबाल दूँ, क्योंकि मुझे बनाना था कस्टर्ड। बहुत ही मन था, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ठंडा ठंडा कस्टर्ड खाने का बहुत ही मन हो रहा था, इसलिए मैं कस्टर्ड बनाने का सोची हूँ, और इसीलिए मैं कस्टर्ड का प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे पास ग्रेप्स थे, क्योंकि मैं पूजा करने के लिए बहुत सारा ग्रेप्स लाई थी, अंगूर लाई थी, जो कि मीठा बहुत था, इसलिए मैंने सोचा कि उसी का ही कस्टर्ड बना लूँ। और केला था, एप्पल था, लेकिन मैंने मतलब मन नहीं किया कि उसको डाल दो, थोड़ा सा एप्पल खट्टा लग रहा था, और मुझे और मम्मी को खट्टा चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ अंगूर को अच्छे से धो रही हूँ। बस एक बार धोने से नहीं होता, जब भी आप बाहर से फ्रूट्स लाएँ तो अच्छे से 3-4 बार धोकर ही यूज करें। तो मैंने भी वैसे ही 3-4 बार धोकर अभी उसको ऐसे काट रही हूँ। आप चाहें तो गोल गोल करके भी काट सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना काटे ही, लेकिन मैंने ऐसे करके काट लिया। और अभी क्या कर रही हूँ ना, एक कटोरी में दूध लाकर उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर, थोड़ा सा मतलब 2 चम्मच और 1/2 चम्मच में उसको मिलाकर रख दूँगी। और अभी मैं कढ़ाई गरम कर रही हूँ, उसमें मैं दूध उबालूँगी। दूध में ले रही हूँ 3 चम्मच, मतलब 1 चम्मच मेरा 1 कप के बराबर ही है। मैंने 3 कप लिया और उसके साथ साथ 1 कप मैंने पानी दिया, और स्वाद के हिसाब से चीनी, आप जितना मीठा खाएं उसी हिसाब से चीनी डालिएगा, मैं उसका क्या माप आपको बताऊंगी। अभी दूध और चीनी को अच्छे से मिलाऊंगी, और दूध को भी 2-3 मिनट तक मैं उबालूंगी, और बीच बीच में चलाऊंगी ताकि वो नीचे चिपक ना जाए, और अच्छे से मीडियम आंच में ही उसको बनाना है ताकि दूध भी अच्छे से उबल जाए। दूध अभी उबल रहा है, मैंने क्या किया ना, छोटी इलायची को अच्छे से कूट के मैं डाल दे रही हूँ। इसमें मैंने 2 छोटी इलायची कूट कर डाला, और ये मैंने डाला मतलब मम्मी को पसंद है इसीलिए मैं डाली, वरना मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। अभी 2-4 मिनट हो चुका है, इसमें मैं कस्टर्ड जो लिक्विड बनाई थी ना वो डाली, और उसको मैं जब डाल रही थी ना तभी मैं उसके साथ ही साथ चला भी रही थी, और उसको भी अच्छे से हम 3-4 मिनट तक मीडियम आंच में उबालेंगे, और जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा होने के बाद मैं बंद कर दे रही हूँ गैस को, और उसको एक बाउल में निकाल के उसको थोड़ा सा मतलब रूम टेम्परेचर के हिसाब से ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और अभी मैं क्या कर रही हूँ ना,
दाल भिगो रही हूँ क्योंकि मुझे दाल बनाना है, और इसके साथ साथ मैं चेक कर रही हूँ जो खिचड़ी बनाई थी और खिचड़ी बनकर एकदम से रेडी हो चुका था। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाली जो कि बहुत टेस्ट देता है, और उसको मैं ढक के रख दी ताकि जो घी का स्मेल है ना वो अंदर ही रहे। और अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, जो सब्ज़ी बनानी थी वो कच्चे केले का सब्ज़ी है, बहुत ही टेस्टी बना था, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इस सब्ज़ी का तो अलग अलग ही सब्ज़ी का रेसिपी होता है, मैं जैसे बनाई आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी बना था आज, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कितना टेस्टी था। और बनाकर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और मैं अभी क्या कर रही हूँ ना, केले का जो स्किन होता है वो निकाल रही हूँ और उसको ऐसे करके काटूँगी, थोड़ा सा मोटा करके काटना है। काटने के बाद उसको मैं हल्दी के पानी में डाल दे रही हूँ ताकि जो केला मैं काटी वो काला ना हो जाए। सो ऐसे करके मैं सारा केला काट ली और उसको अच्छे से अभी धोऊंगी। धोने के बाद उसको हम मैरिनेट करेंगे। अभी उसको छन्नी में निकाल के रख दे रही हूँ ताकि उसका जो पानी है वो सब निकल जाए, और मेरा जो कस्टर्ड बनाई थी वो तो ठंडा होकर रेडी हो चुका है। उसमें मैं सारा अंगूर डाल दे रही हूँ जो कि मैं काट के रखी थी, और उसको अच्छे से मिलाने के बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। कस्टर्ड मेरा रेडी हो चुका है और मैंने जो घी डाल के रखा था वो मैं चेक कर रही हूँ, और बहुत सुंदर सा स्मेल आ रहा था, और उसको मैं अभी मिला दे रही हूँ ताकि वो सब खुला खुला होकर रहे। और उसको मैं एक बड़े से बर्तन में निकाल कर रख दूँगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, केले को मैरिनेट कर रही हूँ, उसके लिए मैं स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसके साथ साथ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा बेसन, उसको मैं अच्छे से मिला दूंगी। और मिलाने के बाद उसको मैं क्या करूंगी ना, तेल में फ्राई करूंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ही तेल लिया। आप चाहे तो ज़्यादा तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं उसी तेल से ही सब्ज़ी बनाऊंगी इसलिए मैं थोड़ा सा ही तेल ली। और इसे इतने तेल में ही वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, आप देखिए कितना अच्छे से फ्राई कर दूंगी मैं इसको। अभी सारे केले को मैं क्रिस्पी करके जो फ्राई कर रही हूँ, और क्योंकि वो मतलब अच्छा लगता है टेस्ट में, और जब भी जो ग्रेवी बनेगा ना वो तो सारा नरम, ज़्यादा नरम ना हो जाए, इसीलिए जितना भी जो फ्राई करना है ना क्रिस्पी करके ही फ्राई करना है। मैंने ऐसे करके सारा केले को फ्राई कर लिया, और आलू को पहले से ही काट के रखी थी, वो सब उबला हुआ आलू है। मैं चाहे तो आप कच्चा आलू भी डाल सकते हैं, उसको भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास उबला हुआ आलू पहले से ही था इसलिए मैं उसको 2 पीस करके अभी मैं उसको फ्राई कर दे रही हूँ। और आलू भी मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, उबला हुआ आलू था इसलिए ज़्यादा फ्राई करना नहीं पड़ा मुझे। अभी जितना तेल बच गया उसी तेल में मैं क्या करूँगी ना, 2 टुकड़ा दालचीनी और प्याज, उसके साथ साथ 1 हरी मिर्च डालकर मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। वो हल्का सा फ्राई होने के बाद मैं टमाटर डाल दूँगी। इसमें मैंने यूज़ किया है 2 प्याज और 1 टमाटर, तो आप चाहे तो 2 टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस ग्रेवी में दही यूज करने वाली हूँ इसलिए मैं 1 ही टमाटर ले रही हूँ। वो निकाल के ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ, उसके बाद उसको मैं क्या करूँगी ना, ग्राइंड करूँगी। सो अभी वो ठंडा हो रहा है तो मैंने इसीलिए दाल बनाने का सोचा, तो दाल बना रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 फूटन डाली और प्याज और टमाटर डालने के बाद दाल को डालकर थोड़ा सा चलाऊँगी, और उसके बाद पानी डालकर मैं सीटी लगाऊँगी। और दाल तो बहुत ही आसान ही होता है, सभी को पता है कैसे बनता है, तो उसका रेसिपी मैं क्या बताऊं, आप तो देख ही रहे होंगे मैं कैसे दाल बना रही हूँ। दाल यहाँ पर मेरा बन रहा था, तो मैंने वहाँ पर जो ठंडा हो चुका था मेरा प्याज वाला जो मसाला बनाई थी, तो उसको मैं ग्राइंड कर दूँगी। अभी एकदम से फाइन पेस्ट बनाना है, और ये जो पेस्ट बनेगा ना तो उसमें टोटली पानी बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, तो ऐसे ही पेस्ट एक अच्छा सा बनाना है। और उसके साथ साथ मैं क्या कर, सेम कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया और उसमें थोड़ा सा जीरा डाली और बाकी का जो मसाला बनाई थी वो डाल दी। मैं वो वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, तो वीडियो नहीं बना पाई, मौका ही नहीं मिला। तो मैं मसाला डालने के बाद उसको मैं क्या कर रही हूँ ना, हल्दी, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद अच्छे से मिलाऊंगी उसको, और हल्का सा फ्राई करूंगी तेल में, अच्छे से भुनेंगे ताकि जो मसाला मतलब जले ना। ये सब मीडियम आंच में ही बना रही हूँ मैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालने के बाद उसमें मैं 1 बड़ी चम्मच चिकन मसाला डाल रही हूँ, और उसको अच्छे से मिलाऊंगी, और मीडियम आंच में ही रखिएगा ताकि मसाला जल ना जाए। थोड़ा सा भुनने के बाद उसमें 1 कप पानी डालने के बाद उसको हम ढक ढक कर भुनेंगे,
ताकि मसाला अच्छे से मतलब भुन जाए। और अभी मैं एक बार चेक कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मसाला अच्छे से भुना नहीं है, इसलिए मैं फिर से ढककर उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अभी 2 मिनट हो चुका है, फिर से मैं चेक कर रही हूँ। देखिए मसाला कितना अच्छे से भुन चुका है, जो तेल था वो ऊपर आ चुका है। तो अभी उसको मैं मिलाने के बाद आँच को लो कर दूँगी, और उसमें जो दही था मैं उसको अच्छे से फेंट के रखी थी, वो डालने के बाद तो तुरंत ही मैं उसको मिलाऊंगी ताकि दही फट ना जाए। अभी दही मिलाने के बाद वो ग्रेवी को मैं 2 मिनट तक मीडियम आंच में भूनूंगी, ताकि वो अच्छे से जो दही का कच्चापन था ना वो दूर हो जाए। और उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, जो फ्राई की थी आलू और केला, उसको डालने के बाद उसको भी अच्छे से भूनूंगी, ताकि जो केला हमने बनाया था वो भी थोड़ा सा नरम हो जाए और उसके अंदर मसाला सब चला जाए। और मैंने जो लाल मिर्च डाला था ना वो निकाल दे रही हूँ, ताकि वो मसाले में मतलब मेल्ट ना हो जाए। अगर मेल्ट हो जाएगा ना तो ज़्यादा तीखापन देगा, जो कि मम्मी नहीं खा पाएंगी। तो मैं केले को ढककर उसको भून रही हूँ ताकि केला नरम हो जाए, और केला तो अभी नरम हो चुका है। तो मैं जितना मुझे पानी चाहिए था मैं उसी हिसाब से पानी डालने के बाद उसको मैं उबलने के लिए छोड़ दूँगी, और उसके साथ साथ केला जितना भी नरम होना था वो भी हो जाएगा। और अभी मेरा क्या है ना, उसको मैं छोड़ दूँगी उबलने के लिए। अभी टाइम है गरम मसाला डालने का, आप चाहे तो लास्ट में भी गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी डाल दे रही हूँ ताकि वो मतलब अंदर ही मिल जाए, अच्छे से उसका स्मेल निकल आए। और वो उबल रहा था और मैंने उसको ढक दिया, और ढकने के 1 मिनट के बाद देखिए कितना सुंदर सा ग्रेवी हो चुका है। और आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही सुंदर लगता है खाने में। तो अभी टाइम है घी डालने का, इसका मेन पार्ट है घी। जब हम गैस बंद कर देंगे उसके ऊपर 1 चम्मच घी बस डाल देंगे और उसको जल्दी से ढक देंगे, ताकि जो उसका स्मेल है वो अंदर ही रहे। तो मैंने आज यही सब बनाया था, चटनी का रेसिपी तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, और साग तो मैं हर बार बनाती हूँ इसलिए मैं उसका रेसिपी नहीं दिखाई। तो यही सब बनाई थी आज, पूजा है। तो आई होप आप भी आज के दिन बहुत इन्जॉय किए होंगे, बहुत सारे टेस्टी डिशेस खाए होंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आप ये सब रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही बहुत सारा डिशेस का रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। सो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय जगन्नाथ, बाय बाय।